आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है मैट्रिक स्पेस दूरी समष्टि। तो सबसे पहले कुछ बातें आपको याद रखने हैं। मैट्रिक क्या होता है? दूरी। मैट्रिक का एक और वर्ड है डिस्टेंस फंक्शन बोलते हैं इसको, दूरी फलन। तो मैट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है मैट्रिक ये हम पहले जानते हैं। लेट एक्स बी आर नॉन एम्प्टी सेट। मान लो x एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त मीन्स जो रिक्त नहीं है, जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉन एम्प्टी सेट, हिंदी में अरिक्त समुच्चय। एंड डी इज ए मैपिंग फ्रॉम s क्रॉस x टू r। r क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। b आर मैपिंग, तथा d s क्रॉस x से r में एक प्रतिचित्रण है, मैपिंग है। D is said to be metric on X if it satisfies the following properties। D को X पर दूरी कहते हैं यदि यह निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करता हो। मतलब ये तीन कंडीशन है, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ये D जो है ये कहलाएगा metric on X, हिंदी में X पर दूरी। तो इसको डी को हम मैट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे मैट्रिक? अगर वो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है डी ऑफ एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। एंड तथा डी एक्स वाई अगर जीरो आ जाता है तो एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन एक बार और समझाता हूँ। डी एक्स वाई greater than or equal to 0, that means dxy are positive, and if dxy is equal to 0, then x is equal to y। यदि dxy 0 है तो x और y equal होगा। second property है dxy equal होना चाहिए dyx के। dxy और dyx दोनों बराबर होना चाहिए, equal होना चाहिए। और third property है dxy less than or equal to होना चाहिए dxz plus dzy। तो थर्ड प्रॉपर्टी अच्छे से देखिए, यहाँ x और y है, यहाँ x और z है, यहाँ z और y, मतलब x और y के बीच में क्या आ गया? z आ गया। तो x और y के बीच में जब z आ जाएगा तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन हो जाएगा dxy से। तो dxy लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए dxz प्लस dzy। इस प्रकार से अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तब ये डी जो है यह मैट्रिक कहलाएगा, दूरिक कहलाएगा। अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैट्रिक नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं डी एक्स वाई है हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, जहां पर एक्स और वाई दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो डी एक्स वाई हमने क्या कहा है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, आपको पता है मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, धनात्मक राशि आएगा। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब डी एक्स वाई भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। ये तो हमने बता दिया, अब ये बताएंगे। इसमें इसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी एक्स वाई को जीरो लेंगे, हमें लाना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने डी एक्स वाई को जीरो ले लिया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो होगा, क्योंकि डी एक्स वाई हमने क्या माना है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो हो गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया वाई। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो रहा है। किसके लिए? जब हमने डी एक्स वाई इक्वल टू क्या मान लिया, माड़ा एक्स माइनस वाई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। डी एक्स वाई इक्वल टू हमने क्या माना है? माड़ा एक्स माइनस वाई। तो अगर माइनस साइन बाहर निकालो इसमें तो क्या होगा? माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब माड़ा माइनस एक्स और माड़ा एक्स इक्वल होता है, इसको आप लिख सकते हो माड़ा वाई माइनस एक्स। माड़ लगा हुआ इसी कारण माइनस हट जाएगा। अब माड़ा वाई माइनस एक्स क्या होगा? डी वाई एक्स होगा। क्यों? क्योंकि डी एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। तो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स क्या होगा? डी वाई एक्स हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है? डी एक्स वाई लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो डी एक्स वाई क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। हमने क्या किया यहाँ? जेड को माइनस कर दिया और जेड को प्लस कर दिया, ये लाइन आ गया। अब मॉड को अलग अलग करेंगे अगर, यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा,
यहाँ पहले इक्वल टू था, अब लेस देन इक्वल टू आ गया। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। तो ये ए है समझ लो, ये बी है समझ लो। तो मॉड ऑफ जेड माइनस एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई करेंगे, अलग अलग करेंगे मॉड को, तो लेस देन इक्वल टू सेन आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, डी एक्स जेड होगा। ये हमारा क्या होगा, डी जेड वाई होगा। क्यों? क्योंकि डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड को आप लिखोगे डी एक्स जेड, मॉड ऑफ जेड माइनस वाई को लिखोगे डी जेड वाई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम डी जो है तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे क्लियरली डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। स्पष्ट है कि डी आर पर एक दूरी के है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये बताएंगे कि डी मैट्रिक नहीं है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमने मान लिया डी एक्स वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जीरो नहीं आता है, निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, -1, -2, -3 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, और जीरो भी इसमें शामिल नहीं होता है। तो एक्स और वाई बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स जो है वह वाई से बड़ा है। तो सबसे पहले आते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स वाई में लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको बताया एक्स इज ग्रेटर देन वाई लेके चल रहे हैं, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स ग्रेटर है किससे, वाई से। तो डी एक्स वाई पॉजिटिव आएगा। सेकंड, डी एक्स वाई अगर जीरो ले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। आप क्वेश्चन कर सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई क्यों नहीं लिखा। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो एक्स इज इक्वल टू आना चाहिए प्लस माइनस वाई। मैंने तो प्लस माइनस नहीं लिखा, केवल वाई लिखा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में नहीं ले सकता, एक्स और वाई कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, और नेचुरल नंबर में निगेटिव अलाउ नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या रहेगा, वन रहेगा, वन रहेगा, टू रहेगा, थ्री रहेगा, फोर रहेगा, लेकिन निगेटिव नंबर्स नहीं रहते हैं। यहाँ पे आप देखो एक्स और वाई कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय बोलते हैं इसको, इनको, और एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर है, क्या माइनस एन हम नहीं ले सकते। तो इसके बाद में हमने ये लिखा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने प्रूव कर दिया कि डी एक्स वाई अगर जीरो लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू वाई आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी में आते हैं, डी एक्स वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी वाई एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है और एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, एक्स जो है वाई से बड़ा है, ये हम पहले ही क्वेश्चन में एज्यूम कर चुके हैं। अब बताओ क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके देखिए, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, इसका वैल्यू वन ले लीजिए, इसका वैल्यू टू ले लो, या इसका वैल्यू टू ले लो, इसका वैल्यू वन ले लो, एक्स को ग्रेटर देन लेना है तो एक्स का वैल्यू थ्री ले लो, वाई का वैल्यू टू ले लो, और देखिए क्या ये इक्वल आता है, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल नहीं है। तो आप देख रहे हो मैट्रिक स्पेस का जो सेकंड, मैट्रिक का जो डिफिनेशन हमने बताया उसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे क्लियरली डी इज नॉट अ मैट्रिक ऑन एन। स्पष्ट है कि डी एन पर एक दूरी के नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, याद रखिए मैट्रिक बनने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे तभी डी मैट्रिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। एक बार नोट कर लीजिए इसे और जो डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 167। लेट अ मैपिंग डी आर क्रॉस आर टू आर बी डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन सो दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन आर। माना एक प्रतिचित्रण डी आर क्रॉस आर से आर में निम्न प्रकार से परिभाषित है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। आर में सेट ऑफ रियल नंबर्स, हिंदी में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब एक्स वाई रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो दर्शाइए कि डी आर पर एक दूरिक है। हमें डी को बताना है मैट्रिक ऑन आर।
डी आर पर एक दूरिक है। और मैट्रिक बनने के लिए मैंने आपको बताया था तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। एक बार मैं आपको दिखाया था मैट्रिक्स का डिफिनेशन, ये मैंने आपको बताया था मैट्रिक बनने के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तभी वह मैट्रिक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। मैट्रिक का एक और नाम है डिस्टेंस, इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी बोलते हैं, हिंदी में दूरी फलन। तो यहाँ पर डी एक्स वाई को वैल्यू हमें दिया गया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल आर। ये हमें इक्वेशन नंबर वन दे दिया। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये पॉजिटिव होता है, सब जानते हैं मॉड लगा हुआ है या पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपान वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, सारे धनात्मक राशि हैं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा और इसका वैल्यू है डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, डी एक्स वाई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है। तो ये हमने बता दिया, अब इसकी बारी है, इसको में क्या करेंगे डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे और एक्स इजिकल टू वाई प्रूव करना है। तो डी एक्स वाई इक्वल टू हमने जीरो मान लिया, तो डी एक्स वाई का वैल्यू क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इजिकल टू जीरो हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो से कैंसिल होगा, कितना इंटू जीरो करेंगे जीरो आएगा, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो आया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आएगा, तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा वाई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा प्रूफ हो रहा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करना है डी वाई एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों इक्वल होता है, बराबर होता है, ये हमें बताना है। तो डी एक्स वाई की वैल्यू ये है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, ये क्वेश्चन से मिला है। तो क्या मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई को मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं? यस, क्योंकि मॉड के अंदर है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। इसका आप लिखोगे मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा डी वाई एक्स। तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल आ रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, ये हमें प्रूव करना है डी एक्स वाई या लेस देन आर इक्वल टू है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये हमें बताना है थर्ड प्रॉपर्टी में। तो इक्वेशन नंबर वन से आप देखिए डी एक्स वाई की वैल्यू ये है, अगर वाई जगह जेड रखेंगे तो यहाँ भी वाई प्लस पे जेड आएगा, तो डी एक्स जेड की वैल्यू ये आएगा। यहाँ पर अगर एक्स की जगह जेड रखते हैं तो डी जेड वाई निकालते तो ये लाइन आ जाएगा, ये आप याद रखिए। ये कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया है। तो डी एक्स वाई मिल गया, डी एक्स जेड निकालिए, डी जेड वाई निकालिए। अब इक्वेशन नंबर वन में आते हैं फिर से, ये हमारा इक्वेशन वन है। तो हमने क्या किया, जेड प्लस कर दिया, जेड माइनस कर दिया, जेड को माइनस किया, जेड को प्लस कर दिया, ये लाइन आ गया। अब मॉड को अलग अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, मॉड ऑफ एक्स ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू आता है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, या इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू साइन क्यों आया, मॉड को अलग अलग कर दिया। मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई अपान वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, अब इतना अपान ये पूरा आएगा, इतना अपान भी ये पूरा आएगा, इस प्रकार से आप लिख दीजिए। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया, तो मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिखा है a अपान वन प्लस ए प्लस बी है और a अपान वन प्लस ए है, तो ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू होता है इससे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देख समझाता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ टू अपान वन प्लस टू प्लस थ्री और लिखता हूँ टू अपान वन प्लस टू, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा, ये क्वांटिटी लेस देन होगा, ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा, ये वाला क्वांटिटी लेस देन। वैसे मैं लिखता हूँ थ्री अपान वन प्लस टू प्लस थ्री और लिखता हूँ थ्री अपान वन प्लस थ्री, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ हमने थ्री को हटा दिया तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन आ गया, यहाँ से हमने टू को हटा दिया नीचे से तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन आया, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर होगा। तो वैसे आप देखिए यहाँ से हमने मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड माइनस वाई को हटा दिया तो ये वाला क्वांटिटी और ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि ये साइन क्या बोलता है, ये साइन ये बोल रहा है कि राइट साइड वाला क्वांटिटी जो है लेफ्ट साइड वाला क्वांटिटी से ग्रेटर है, मतलब लेफ्ट साइड वाला लेस देन है और राइट साइड वाला ग्रेटर देन है। तो इसको जब हटा देंगे तो और बड़ा हो गया, यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये और बड़ा हो गया, मतलब इसके प्लेस पे ये लिखेंगे तो ये साइन बरकरार रहेगा,
ये साइन चेंज नहीं होगा, ये क्वांटिटी और ग्रेटर देन हो गया। एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टू लेस देन है थ्री से, अगर मैं लिखता हूँ टू लेस देन है फोर से, सही है? क्यों? क्योंकि थ्री और फोर में क्या रिलेशन है? तो अगर ये बात सही है तो ये भी बात ही सही है। तो बहुत सारे बच्चे क्या क्वेश्चन करते हैं, सर थ्री का फोर कैसे हुआ? थ्री का फोर नहीं हुआ, ये साइन को आप देखिए, यहाँ बोल रहा हूँ टू इज लेस देन थ्री, मतलब टू थ्री से छोटा है, तो जो जो तीन से छोटा है क्या वो चार से भी छोटा होगा? हाँ। जो क्वांटिटी थ्री से लेस देन है क्या वो फोर से भी लेस देन होगा? यस। तो यहाँ से यहाँ अगर आते हो तो कोई चेंज नहीं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन यही रहता है ना, क्या क्वेश्चन करते हैं, सर ये थ्री का फोर कैसे बन गया? थ्री का फोर नहीं बना भाई, ये साइन को देखो। हाँ, अगर इक्वल टू साइन रहता तब आप क्वेश्चन करते, ये तो लेस देन का साइन है ना, ये बोल रहा है कि राइट साइड वाला ग्रेटर देन है। तो टू अगर लेस देन है थ्री से तो टू फोर से भी लेस देन होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है, इस साइन को देखकर, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये क्वांटिटी लेस देन है इनसे, राइट साइड से, तो इसके प्लेस पे अगर ये लिख दे, इसको अगर हटा दे तो ये वाला क्वांटिटी और बड़ा हो गया। वैसे ही इसके प्लेस पे ये लिखें तो ये वाला क्वांटिटी और ग्रेटर देन हो गया, तो इधर वाला ये वाला साइन जो है बरकरार रहेगा। तो ये हमारा बन जाएगा डी एक्स जेड और ये बन जाएगा डी जेड वाई। इस प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। तो हम लिखेंगे डी इज अ मैट्रिक ऑन आर, स्पष्ट है कि डी आर पर एक दूरिक है। एक बात और याद रखिए, यदि डी मैट्रिक है एक्स पर तो ये जो पेयर है एक्स डी, इसको हम कहते हैं मैट्रिक स्पेस। कब कहेंगे? इफ डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स देन द पेयर एक्स डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस बनने के लिए डी को मैट्रिक होना जरूरी है, और मैट्रिक होने के लिए कितने प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना चाहिए? थ्री प्रॉपर्टीज। तो यदि डी एक्स पर एक दूरिक है तो युग्म एक्स डी को दूरिक समष्टि कहते हैं, ये बात याद रखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 168। एक दूरिक समष्टि एक्स डी में सिद्ध कीजिए कि इन अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, प्रूव दैट मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू कैपिटल एक्स। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। यहाँ पर एक्स डी क्या है? मैट्रिक स्पेस है। इसका मतलब यह है कि यह मैट्रिक के तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो मैट्रिक का जो थर्ड प्रॉपर्टी होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डी एक्स वाई यह लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है। एक स्टूडेंट ने इस प्रकार से लिखा डी ए बी यह लेस देन है डी ए सी प्लस डी सी बी, क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। हमने यहाँ एक्स वाई जेड लिया या उसने ए बी सी ले लिया। एक स्टूडेंट ने ऐसे लिख दिया डी एक्स वाई यह लेस देन है डी एक्स के प्लस डी के वाई, ये भी चलेगा। क्या चेंज किया? यहाँ हमने जेड लिया है, के ले लिया उसने। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे ही लिखना है, ऐसे जरूरी नहीं। अब इस फॉर्म में भी लिखो, ऐसे भी लिखो। एक स्टूडेंट ऐसे लिख दिया डी एक्स जेड यह लेस देन होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ये भी सही है। मैट्रिक स्पेस का जो थर्ड प्रॉपर्टी ये सही है क्या? एक्स और जेड के बीच में वाई आ गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। याद रखना है प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में अगर कोई एक नया अगर नंबर लेते हो, नया अगर संख्या लेते हो, तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ये मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। तो हमने मान लिया एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, दूरिक समष्टि है, एक्स वाई जेड तीनों कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स हैं। तो डी एक्स जेड यह लेस देन होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, एक्स और जेड के बीच में कौन आ गया? वाई। जब y आ गया तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब इसको हम इधर ले आते हैं, यहाँ प्लस का माइनस साइन हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आए, इक्वेशन नंबर वन दिए। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, यहाँ मॉड नहीं लगा है। तो मॉड हम कैसे लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर मैं बताता हूँ x लेस देन है फाइव से, और मैंने बता दिया माइनस एक्स भी लेस देन है फाइव से, तो भी दोनों को जब मिला देंगे तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन फाइव। मतलब मॉड लगाने के लिए हमें एक्स और माइनस एक्स दोनों को ही लेस देन फाइव बताना है।
तब मॉड ऑफ एक्स लेस देन फाइव होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ हमने क्या बताया कि डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड या लेस देन आर इक्वल टू है डी एक्स वाई से, इक्वेशन नंबर वन दे दिए। अगेन डी वाई जेड या लेस देन होगा डी वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड, इन दोनों के बीच में एक्स आ गया तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब इसको आप ले आइए इधर, इसको इधर ले आइए लेफ्ट साइड, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये लाइन कैसे आया, मैट्रिक्स स्पेस का जो थर्ड प्रॉपर्टी वहाँ से आया। ये लाइन कैसे आया, इसको हमने लेफ्ट साइड लिया तो ये माइनस में आ गया। अब इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लें तो डी एक्स जेड माइनस डी वाई जेड हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा। अब डी वाई एक्स को आप डी एक्स वाई लिख सकते हो, क्योंकि मैट्रिक स्पेस का जो सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल होता है, ये आप लिख लो। अब यही क्वांटिटी लेस देन है डी एक्स वाई से, और इसी क्वांटिटी का जो निगेटिव है वो भी लेस देन है डी एक्स वाई से, ये क्वांटिटी सेम है। देखो यही क्वांटिटी यहाँ भी है लेकिन सामने यहाँ माइनस है। इन दोनों को जब मिला देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। इस प्रकार से क्वेश्चन प्रूफ होता है। जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 169। लेट डी बी अ मैट्रिक ऑन एक्स सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज ऑल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स। मान लो डी एक्स पर एक दूरी है, दर्शाइए कि अग्र रूप से परिभाषित फलन डी स्टार भी एक्स पर एक दूरी है। तो यहाँ पर डी के बारे में लिखा हुआ है डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो जब डी को हमने मैट्रिक कहा है, डी को हमने दूरी कहा है, तो डी जो है ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो मैट्रिक का डिफिनेशन मैं आप लोग बता चुका हूँ, एक बार और याद रखिए, डी यदि मैट्रिक है, इफ डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स देन डी विल सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज। यदि डी एक्स पर एक दूरी है तो डी ये तीन प्रॉपर्टी को जरूर संतुष्ट करेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकंड प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स एंड थर्ड प्रॉपर्टी डी एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इन तीन प्रॉपर्टी को कौन सेटिस्फाई करेगा, डी। क्यों, क्योंकि डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो ये हमने तीन प्रॉपर्टी लिख दिया। अब डी स्टार एक्स वाई को वैल्यू ये दिया गया है, हमें डी स्टार को भी मैट्रिक बताना है ऑन एक्स। हमें क्या प्रूफ करना है, डी स्टार इज आल्सो अ मैट्रिक ऑन एक्स, डी स्टार भी एक्स पर एक दूरिक है। तो ये डी स्टार का वैल्यू दिया गया है हमें इक्वेशन नंबर वन में। टू प्रूफ दैट डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स पर एक दूरिक है। तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये प्रूफ करना पड़ेगा, डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसके पहले हम बता चुके हैं, हम ये बता चुके हैं, ये तीन प्रॉपर्टी हमारा ये जो है डी जो है वह संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आप देखिए डी एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो डी एक्स वाई जब पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव होगा, डी एक्स वाई अपॉन वन प्लस डी एक्स वाई ये भी पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू है डी स्टार एक्स वाई, तो डी स्टार एक्स वाई भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अब डी स्टार एक्स वाई को जीरो करें तो इसका वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये जीरो से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो आएगा। अब डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, तो डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई हुआ। हमने क्या लेकर चला था, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो और क्या आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना पड़ेगा डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। इक्वेशन नंबर वन से डी स्टार एक्स वाई वैल्यू है। अब डी एक्स वाई को हम डी वाई एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि डी तो मैट्रिक है। तो डी एक्स वाई को हमने लिखा डी एक्स वाई वाई एक्स, यहाँ भी डी वाई एक्स, तो ये बन जाएगा हमारा डी स्टार वाई एक्स। तो डी स्टार एक्स वाई लेके चले और डी स्टार वाई एक्स आ गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी में प्रूफ करना है डी स्टार एक्स वाई इज लेस देन आर इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। डी स्टार एक्स वाई वैल्यू ये है इक्वेशन नंबर वन से, वाई के प्लस पे जेड लिखेंगे तो यहाँ भी वाई के प्लस पे जेड आ जाएगा, यहाँ पर एस के प्लस पे जेड लिखेंगे तो यहाँ भी एस के प्लस पे जेड आ जाएगा।
ये तीनों लाइन कहाँ से आ रहा है? इक्वेशन नंबर वन से आ रहा है। अब हमें रिजल्ट प्रूव करना है, अगेन फिर से इक्वेशन नंबर वन से हम लेके चलेंगे। इक्वेशन नंबर वन लिया। अब डी एक्स वाई लेस देन होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो डी एक्स वाई के प्लेस पे अगर ये लिखते हैं तो लेस देन आर इक्वल टू का साइन आएगा। डी एक्स वाई के प्लेस पे क्या लिख दिए? डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, लेस देन इक्वल टू आ गया। अब इसके अपान में पूरा आएगा, इसके अपान में भी पूरा आएगा, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखिए, ए अपान वन प्लस ए प्लस बी या लेस देन आर इक्वल टू होता है ए अपान वन प्लस ए। इस बी को हटा देगा डिनोमिनेटर से तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन हो जाता है। तो यहाँ से आप ये वाला क्वांटिटी को हमने हटा दिया थे, क्वांटिटी और ग्रेटर देन हो गया। इसमें से हमने इस क्वांटिटी को हटा दिया थे, क्वांटिटी और ग्रेटर देन हो गया, क्योंकि ये साइन क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड वाला लेस देन है और राइट साइड वाला ग्रेटर देन है। तो इस क्वांटिटी को हटा दे डिनोमिनेटर से, इसको हटा देते क्वांटिटी और बड़ा हो जाएगा और ग्रेटर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से इसको अगर हम हटा दें तो ये और ग्रेटर हो जाएगा। इस रिजल्ट को आप देखिए तो ये वाला क्वांटिटी और ग्रेटर हो गया। अब इसका वैल्यू क्या है? डी स्टार एक्स जेड। इसका वैल्यू क्या है? डी स्टार वाई जेड वाई। तो हम देख रहे हैं डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आ रहा है डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। हम क्या लिखेंगे? क्लियरली डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। स्पष्ट है कि डी स्टार एक्स पर एक दूरिक है। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 170। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस सो दैट द फंक्शन डी स्टार फ्रॉम एस क्रॉस एस टू आर डिफाइंड बाई डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। मान लो एस डी एक दूरिक समष्टि है, दर्शाइए कि डी स्टार एक्स फ्रॉम एस क्रॉस एस टू आर जो इस प्रकार परिभाषित है कि डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई एक्स पर एक दूरिक है। यहाँ पर एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस दिया गया है, दूरिक समष्टि दिया गया है, तो इसके पास तीन प्रॉपर्टी होंगे क्योंकि ये मैट्रिक स्पेस है। तो एल डी मैट्रिक स्पेस है तो एल डी जो है ये तीन नियमों का पालन करेगा, थ्री प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो ये थ्री प्रॉपर्टीज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्स डी को क्या माना है? मैट्रिक स्पेस, दूरिक समष्टि। अब डी स्टार एक्स वाई के लिए हमें क्या दिया गया है? मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई। हमें डी स्टार को एक्स पर एक दूरिक बताना है, हमें डी स्टार को बताना है कि इज अ मैट्रिक ऑन एक्स। तो ये डी स्टार का वैल्यू दिया गया है। टू प्रूव दैट डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, सिद्ध करना है कि डी स्टार एक्स पर एक दूरिक है। तो हमें सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? डी स्टार एक्स वाई पॉजिटिव होता है और डी स्टार एक्स वाई अगर जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू है मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई। तो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू या तो वन आएगा या तो डी एक्स वाई आएगा, जो मिनिमम होगा इन दोनों में वो डी स्टार एक्स वाई का वैल्यू आएगा। अगर वन आता है तो वन भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर डी एक्स वाई आता है तो डी एक्स वाई पॉजिटिव है। तो अगर ये आए या ये आए, दोनों में से कोई भी एक आएगा मिनिमम फंक्शन में, तो वन आने पर भी डी स्टार एक्स वाई पॉजिटिव होगा और डी एक्स वाई आने पर भी डी स्टार एक्स वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि डी एक्स वाई पॉजिटिव है। तो डी स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आएगा। सेकंड, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू जीरो लिए तो मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई जीरो होगा। अब इन दोनों का मिनिमम वन, इन दोनों का जो मिनिमम है वो जीरो है, तो वन इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, तो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम फंक्शन होता क्या है। बहुत सारे बच्चे तो कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ फाइव एंड सेवन, इसका मतलब है x इज इक्वल टू फाइव आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो मिनिमम है वो s का वैल्यू है, तो इन दोनों में छोटा कौन है? फाइव, तो s का वैल्यू फाइव आएगा। जैसे मैं लिख दिया x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सेवन एंड थ्री, अब बताओ सेवन और थ्री में बड़ा कौन है? सेवन, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है? सेवन, तो s का वैल्यू सेवन आएगा। मतलब s का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक आएगा, s का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक आएगा, या तो फाइव आएगा या तो सेवन आएगा, लेकिन वही आएगा जो मिनिमम होगा। तो मिनिमम फंक्शन अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, मिनिमम ऑफ वन डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यह है इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है ना। मिनिमम वैल्यू मतलब या तो इसका वैल्यू वा तो वन आएगा या तो डी एक्स वाई आएगा, तो वन इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता, तो डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होगा। जब डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स वाई जीरो है तो एक्स इक्वल टू वाई होता है। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया। अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू लाना है डी स्टार वाई एक्स। डी स्टार एक्स वाई के वैल्यू दिया है इक्वेशन वन में,
अब डी एक्स वाई को आप लिख सकते हो डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई को डी वाई एक्स लिख दिए तो ये हो जाएगा डी स्टार वाई एक्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है डी स्टार एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई। ये इक्वेशन नंबर वन से आया डी स्टार एक्स वाई, वाई के प्लस पे जेड रखेंगे तो आ जाएगा, एक्स के प्लस पे जेड रखेंगे तो आ जाएगा। इक्वेशन नंबर वन में आप देखिए है, लेकिन हम जानते हैं डी एक्स वाई या लेजर इक्वल टू होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इसके प्लेस पे अगर डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड वाई रखेंगे तो यहाँ इक्वल टू जो है क्या साइन आएगा, लेजर आर इक्वल टू का साइन आएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेजर इक्वल टू का साइन आ गया। अब मिनिमम फंक्शन को अलग अलग कर दीजिए, क्या आएगा मिनिमम ऑफ वन डी एक्स जेड प्लस मिनिमम ऑफ वन डी जेड वाई, ये बन जाएगा डी स्टार एक्स जेड और ये बन जाएगा डी स्टार जेड वाई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, डी स्टार एक्स पर एक दूरिक है। यहाँ से यहाँ आपको याद रखना है मिनिमम फंक्शन को किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिनिमम है वन एंड डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इसको अलग अलग करोगे क्या आएगा मिनिमम वन डी एक्स जेड प्लस मिनिमम वन डी जेड वाई, और ये बन जाएगा डी स्टार एक्स जेड, ये बन जाएगा डी स्टार जेड वाई। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। इसी क्रम में लिखा है डी स्टार इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, डी स्टार एक्स पर एक दूरिक है। क्वेश्चन नंबर 171, लेट एक्स इज इक्वल टू आर टू द पावर एन बी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स वेयर एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन कामा एक्स टू कामा कामा एक्स एन, इस टाइप का जो पेयर होता है एक्स वन कामा एक्स टू कामा कामा एक्स एन, इसको हम एन टपल कहते हैं, एन टपल है ना, हिंदी में भी इसको एन टपल कहते हैं, हिंदी नाम भी इसका क्या है एन टपल है। तो एंड वाई इक्वल टू है वाई वन कामा वाई टू कामा वाई एन, ये भी एन टपल है, ये भी बिलोंग करता है आर की पावर एन में। एक मैपिंग डी आपको दिया गया है, इस प्रकार से हमें डी को बताना है मैट्रिक ऑन आर टू द पावर एन। तो एक्स क्या है आर की पावर एन है, आर की पावर एन क्या है वास्तविक संख्याओं के सभी क्रमित एन टपलों का समुच्चय है ना, तो आर की पावर एन को हम क्या बोलते हैं वास्तविक संख्याओं के सभी क्रमित एन टपल, इस टाइप का जो लिखते हैं इसको हम बोलते हैं एन टपल, एक्स वन कामा एक्स टू कामा कामा एक्स एन, ये एन टपल है, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, ये भी एन टपल है, ये वाई का वैल्यू है, और ये किसके एलिमेंट है आर की पावर एन के एलिमेंट्स है। डी हमें दिया गया है, हमें बताना है डी जो है आर की पावर एन पर एक दूरिक है, मैट्रिक है। तो ये डी का वैल्यू हमें दिया गया है, एस की वैल्यू वाई की वैल्यू हमें दिया गया है, हमें बताना है डी इज अ मैट्रिक ऑन आर की पावर एन। तो डी को मैट्रिक बताने के लिए हमें थ्री प्रॉपर्टीज प्रूफ करना होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करना है डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी एक्स वाई का वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन नंबर वन से, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी को प्लस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो डी एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। अब डी एक्स वाई को अगर हम जीरो के इक्वल कर दें तो ये क्वांटिटी इक्वल टू जीरो आएगा, यहाँ पावर वन बाई टू है, बहुत साइड स्क्वायर करें तो वन बाई टू पावर हट जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आएगा। तो हम देख रहे हैं ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी को प्लस कर रहे हैं, सिग्मा लगा हुआ है, प्लस कर रहे हैं तो इक्वल टू क्या रहा है जीरो, इसका मतलब ये क्वांटिटी ही इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को आप प्लस करोगे तो जीरो तभी आएगा जब वो क्वांटिटी स्वयं जीरो के इक्वल हो, ये क्वांटिटी जीरो आ जाएगा जहाँ पे आई करें जाएगा वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन एन, तो एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू जीरो आएगा, तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई आ जाएगा, एक्स वन इक्वल टू वाई वन आएगा, एक्स टू इक्वल टू वाई टू आएगा, इस प्रकार से एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा क्योंकि एक्स वन वाई वन इक्वल है, एक्स टू वाई टू इक्वल है, एक्स एन वाई एन इक्वल है, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूफ करना है, डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल होता है, तो डी एक्स वाई क्या है हमारा ये है, अब इसको हम लिख सकते हैं वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो पलट भी सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा डी वाई एक्स। अब एक थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, डी एक्स वाई है लेस देन इक्वल टू होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो डी एक्स वाई का फार्मूला ये है इक्वेशन नंबर वन से, वाई के प्लेस पे जेड रखेंगे तो यहाँ वाई के प्लेस पे जेड आई आएगा, वैसे एस के प्लेस पे जेड रखेंगे तो एस आई के प्लेस पे जेड आई आएगा। अब आपको याद रखना है मिनकोस्की इनइक्वालिटी, मिनकोस्की असमिका याद रखना है, ये भूलना नहीं है आपको, ये याद रखना है, ये कहाँ से आता है मिनकोस्की इनइक्वालिटी, मिनकोस्की असमिका, ए आई प्लस पर रख दीजिए एक्स माइनस जेड आई,
बी आई प्लस पर रख दीजिए जेड आई माइनस वाई आई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड आई कैंसिल होगा एक्स आई माइनस वाई आई, तो ए आई प्लस बी आई की वैल्यू क्या रखोगे एक्स आई माइनस वाई आई। यहाँ पर ए आई है, ए आई प्लस पे आप क्या रखोगे एक्स आई माइनस जेड आई, और बी आई प्लस पे क्या रखोगे जेड आई माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा डी एक्स वाई, ये बन जाएगा डी एक्स जेड, और ये बन जाएगा डी जेड वाई। क्यों? क्योंकि हमने बताया है डी एक्स वाई ये है, ये डी एक्स जेड है और डी जेड वाई है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बन जाएगा डी एक्स वाई, ये बन जाएगा डी एक्स जेड, ये बन जाएगा डी जेड वाई, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डी बन जाएगा मैट्रिक ऑन आर की पावर एन, डी इज ए मैट्रिक ऑन आर की पावर एन। आज हम ओपन स्फीयर ओपन सेट इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लो एक्स डी एक द्विरिक्त समष्टि है। इफ एक्स जीरो इज एनी पॉइंट ऑफ एक्स, यदि एक्स जीरो एस का कोई बिंदु है। एंड आर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तथा आर एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। देन तब एस आर एक्स जीरो, इसमें ऐसे पॉइंट आएंगे कैपिटल एक्स से जहां पर एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है वह लेस देन आर होगा। तो ये जो एस आर एक्स जीरो है इज कॉल्ड एन ओपन स्फीयर विथ सेंटर्ड एट एक्स जीरो ए रेडियस आर। तो एस आर एक्स जीरो को हम एक वृत्त गोलक कहते हैं जिसका त्रिज्या एक्स जीरो है और रेडियस जो है आर है, त्रिज्या आर है, केंद्र एक्स जीरो है और त्रिज्या आर है। डायग्राम से आपको समझाते हैं। यह हमारा मैट्रिक स्पेस है, द्विरिक्त समष्टि है, और यहाँ कोई पॉइंट है एक्स जीरो। एक्स जीरो को सेंटर मानकर और आर को रेडियस लेकर, एक्स जीरो को सेंटर माना आर को रेडियस लेकर, एक इस प्रकार से हम एक गोला बनाएंगे। गोला को हम इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर। तो एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर एक्स जीरो होगा और रेडियस आर होगा। तो ये जो स्फीयर है इसका नाम होगा एस आर एक्स जीरो, एक्स जीरो इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है। तो ये जो हमने गोला ड्रॉ किया है, स्फीयर बनाया है, ये कहलाएगा ओपन स्फीयर विवृत्त गोला। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले लिया मैंने एक्स, कोई पॉइंट लिया, तो ये जो एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है, एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है वो हमेशा आर से लेस देन होगा। मतलब एक्स जो है इस पॉइंट के, इस गोले के अंदर है, आप देख रहे हो, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है। तो जब गोले के अंदर है एक्स, तो एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है हमेशा ही आर से लेस देन होगा। तो ये डेफिनेशन है ओपन स्फीयर का। क्लोज्ड स्फीयर में क्या होगा? क्लोज्ड स्फीयर में बाउंड्री को भी हम शामिल करेंगे, मतलब हमारा जो पॉइंट एक्स है वो बाउंड्री में भी हो सकता है ना। तो संवृत्त गोला, क्लोज्ड स्फीयर, इसमें क्या होगा? डायग्राम सेम आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है। मतलब डिस्टेंस आप एक्स एंड एक्स जीरो, यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं एक्स, या बाउंड्री में भी हम पॉइंट ले सकते हैं एक्स को। तो ये जो पॉइंट है और एक्स के जीरो का जो डिस्टेंस है वह लेस देन आर भी हो सकता है और इक्वल टू आर भी हो सकता है। मतलब डिस्टेंस आप एक्स एन ए जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर आएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर जब ओपन स्फीयर की बात कर रहे थे तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किए एस आर एक्स जीरो, लेकिन जब हम क्लोज्ड स्फीयर की बात करेंगे, संवृत्त गोलक की बात करेंगे, तो एस आर एक्स जीरो से लार्ज ब्रैकेट का यूज करेंगे। ये तो ये कहलाता है क्लोज्ड स्फीयर संवृत्त गोला। क्या अंतर है दोनों में? अंतर यह है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट लें इसके अंदर, तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है, जैसे इसके अंदर कोई पॉइंट एक्स ले लिया, तो उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वह लेस देन आर होगा। एक्स जीरो हमारा, एक्स जीरो जो है सेंटर है इस स्फीयर का, केंद्र है, और एक्स कोई पॉइंट है इसके अंदर, तो इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन आर होगा, लेकिन यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू आर होगा। तो क्लोज्ड स्फीयर का डिफिनेशन बताया मैंने आपको। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम लोगों को नहीं रहना है। जैसे मैं कहता हूँ एक्स इज अ पॉइंट ऑफ एस आर एक्स जीरो, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स जीरो इज लेस देन आर।
अगर मैं कहता हूँ x बिलोंग करता है एस आर एक्स जीरो, एक क्लोज्ड स्फीयर है, तो x और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर इक्वल टू आर आएगा। इसका उल्टा भी आप याद रखिए, अपोजिट साइड, अगर डिस्टेंस x और एक्स जीरो लेस देन आर आ रहा है, x और एक्स जीरो का डिस्टेंस अगर लेस देन आर है तो x बिलोंग करेगा इस गोले में, इसका सेंटर एक्स जीरो है, रेडियस आर है। अगर x और एक्स जीरो का डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू आर है तो x बिलोंग करेगा इस स्फीयर में, इस गोले में, जिसका सेंटर एक जीरो रेडियस आर है लेकिन एक क्लोज्ड स्फीयर है। तो ऐसे भी याद रखिए, इसका अपोजिट भी आप याद रखिए, दोनों साइड आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ डिस्टेंस ऑफ x और एक जीरो ग्रेटर देन आर है, ग्रेटर देन आर है, इसका मतलब x बिलोंग नहीं करेगा इस गोले में, क्योंकि x और एक जीरो का डिस्टेंस r से बड़ा है तो गोले के बाहर चला जाएगा, तो x इस गोले के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर मैं कहता हूँ x एंड एक जीरो का डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू r है, तो ये ओपन स्फीयर में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। इसी का अपोजिट है, अगर लेस देन रहता तो बिलोंग करता, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू आए तो बिलोंग नहीं करेगा। वैसे लेस देन आर इक्वल टू है तो बिलोंग करता है इस क्लोज्ड स्फीयर में, और ग्रेटर देन आर हो गया तो बिलोंग नहीं करेगा। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है। जैसे मैं बोलता हूँ एक्स बिलोंग नहीं करता एस आर एक जीरो में, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और एक जीरो का डिस्टेंस लेस देन आर नहीं है, मतलब एक्स और एक जीरो का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो आर से छोटा नहीं आएगा। आर से अगर छोटा होता तभी तो एक्स इस गोले के अंदर बिलोंग करता, तो क्या होगा फिर, छोटा नहीं है तो क्या है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। वैसे ही अगर एक्स बिलोंग नहीं करता एक्स आर जीरो में तो ये क्लोज्ड स्फीयर है, एक्स और एक्स जीरो का डिस्टेंस यह लेस देन आर इक्वल टू नहीं है आर से, मतलब आर से लेस देन भी नहीं है इक्वल टू भी नहीं है, तो फिर क्या है वो, तो इसका जो डिस्टेंस है एक्स और एक्स जीरो ग्रेटर देन आर है। तो यहाँ से यहाँ आपको आना सीखना होगा, यहाँ से यहाँ आपको पता चले। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप घर में ट्राई कीजिए और ग्रुप में भेजिए। अगर आपको सही आंसर पता चल जाता है तो आप इसको टिक करके ग्रुप में भेजिए, प्लीज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक मार कीजिए, और ये जो 1 2 3 4 5 मैंने होमवर्क दिया है इसे कंप्लीट कीजिए। और अगर ये समझ में आ गया तभी आपको इसका मतलब आपको समझ में आने लगेगा। तो इसका होमवर्क कीजिए, एक बात याद रख लीजिए, डिस्टेंस आप एक्स वाई लिखो या डिस्टेंस आप वाई एक्स लिखो, दे हैव सेम मीनिंग। डिस्टेंस आप एक्स वाई लिख दो या डिस्टेंस आप वाई एक्स, दोनों का मतलब बराबर हो, सेम समान होता है, क्योंकि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल होता है। कुछ बातें और आपसे शेयर करते हैं। इंटीरियर पॉइंट, अभ्यंतर बिंदु, इसको आंतरिक बिंदु भी बोलते हैं। लेट एच डी बी आ मैट्रिक स्पेस, एच डी एक मैट्रिक स्पेस है, और जी जो है वह सबसेट है एस का, जी उपसमुच्चय है एस का। एक्स बिलोंग करता है जी में, एक्स इज अ पॉइंट ऑफ जी, एक्स इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच दैट एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ जी। तो एस को हम जी का अभ्यंतर बिंदु कहेंगे यदि एक वृत्त गोलक एस आर एक्स का अस्तित्व इस प्रकार है कि एस आर एक्स जी के अंदर आ जाए। एस किसका पॉइंट था, जी का, और ये स्फीयर है, इसका सेंटर हमने एक्स लिया। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मान लो ये मैट्रिक स्पेस है और ये जी है, इस जी का कोई पॉइंट एक्स है, एक्स पॉइंट कहीं भी हो सकता है जी के अंदर, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, तो इस एस को सेंटर मानकर और आर को रेडियस मानकर एक ओपन स्फीयर हम बनाएंगे। अब ये जो ओपन स्फीयर है यह जी के अंदर आना चाहिए, ये पूरी तरह जी के अंदर समाहित होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये जो पॉइंट एक्स है यह कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, जी का आंतरिक बिंदु, जी का अभ्यंतर बिंदु। कब कहलाएगा, जब इस एस को सेंटर मानकर और आर रेडियस लगा, आर जो है हमारी चॉइस रहेगा, आर की वैल्यू जितना छोटा हम ले सकते हैं, आर कोई पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या होना चाहिए, और आर को रेडियस लेकर एक स्फीयर अगर हम ड्रा करें, एक गोला अगर हम बनाते हैं, तो यह जो गोला है वह जी के अंदर पूर्ण रूप से समाहित हो जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो एक्स कहलाएगा
जी का इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु। ओपन सेट क्या होता है? विरुद्ध समुच्चय। तो एक्स डी हमारा मैट्रिक स्पेस है, जी सबसेट है एस का, जी उपसमुच्चय है एस का। जी यदि जी का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु है, यदि जी का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु है तो जी को विवृत्त समुच्चय कहते हैं। इफ एवरी पॉइंट ऑफ जी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, देन जी इज कॉल्ड एन ओपन सेट। मतलब जी के कोई भी पॉइंट ले लें, जी के अंदर कोई पॉइंट ले, सब जो है जी का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, आंतरिक बिंदु होना चाहिए। डेफिनेशन आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यदि जी के प्रत्येक बिंदु एक्स के लिए एक धनात्मक वास्तविक संख्या आर का आर इस प्रकार है कि एस आर एक्स यह सबसेट है जी का, यह प्रत्येक बिंदु के लिए लागू होना चाहिए, तो जी को विवृत समुच्चय कहते हैं। इफ फॉर एवरी पॉइंट एक्स ऑफ जी, फॉर एवरी पॉइंट लिखा है, एवरी प्रत्येक बिंदु, फॉर एवरी पॉइंट एक्स ऑफ जी देयर इज अ रियल नंबर आर सच दैट एस आर एक्स इज कंटेंड इन जी। अगर एस आर एक्स जी के अंदर आता है और जी के हर एक पॉइंट के लिए अगर ये बात लागू होता है तो जी कहलाएगा ओपन सेट विवृत समुच्चय। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नोट करना है कॉपी में और समझना है, और जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको ओपन स्फीयर के बारे में बताया था, हिंदी में इसको बोलते हैं विवृत्त गोलक। ये है ओपन स्फीयर, इसका सेंटर एक्स जीरो है और रेडियस आर है। इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, सेंटर एक्स जीरो रेडियस आर है, तो ये कहलाता है ओपन स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं विवृत्त गोलक। और हमने आपको ओपन सेट के बारे में बताया था, ओपन सेट होने के लिए जैसे जी को हम ओपन सेट तभी कहेंगे जब इस प्रकार का ओपन स्फीयर जी के अंदर कंटेंड हो। मतलब अगर ये ओपन स्फीयर जी के अंदर है तो जी कहलाता है ओपन सेट। तो ओपन सेट जो होता है वह इस प्रकार के ओपन स्फीयर को रखता है, मतलब ये ओपन स्फीयर जो है यह सबसेट होगा जी का, जी के अंदर होगा। डायग्राम से आप देख लीजिए, ये हमारा जी है और जी के अंदर एक ओपन स्फीयर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से यदि जी जी के अंदर एक ओपन स्फीयर आ जाए तो ये जी कहलाता है ओपन सेट। हम क्वेश्चन करते हैं, किसी द्विक समष्टि में प्रत्येक विवृत्त गोलक एक विवृत्त समुच्चय होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हमें ओपन स्फीयर को ओपन सेट बताना है ना, मतलब विवृत्त गोलक जो होता है वह विवृत्त समुच्चय होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने मान लिया लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एल डी एक मैट्रिक स्पेस है और एस आर एक्स जीरो, इसका सेंटर एक्स जीरो है, रेडियस आर है, बी एन ओपन स्फीयर इन एक्स। तो यह ओपन स्फीयर है एक्स में, हिंदी में बोलेंगे विवृत्त गोलक है एक्स में। अब हमें इस ओपन जो स्फीयर है इसको हमें क्या बताना है, ओपन सेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, हमें ओपन स्फीयर को क्या साबित करना है, ओपन सेट। तो देन वी हैव टू शो दैट एस आर एक्स जीरो इज एन ओपन सेट, ये ओपन स्फीयर है, इसको मैं प्रूव करना है ओपन सेट है। हमें दर्शाना है कि एस आर एक्स जीरो एक विवृत्त समुच्चय है, ओपन सेट है। अब ओपन सेट कैसे बनेगा, ओपन सेट का डेफिनेशन हम देखते हैं। जैसे इस जी को हम ओपन सेट कब कहेंगे, जब जी के अंदर एक ओपन स्फीयर आ जाए, तो इसे हमें ओपन सेट बनाना है, तो इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आना चाहिए। ये स्वयं ओपन स्फीयर है, याद रखना ये स्वयं ही ओपन स्फीयर है, इसके अंदर एक और ओपन स्फीयर आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा, क्योंकि ओपन सेट बनने के लिए उसके अंदर एक ओपन स्फीयर आना जरूरी है। तो हमने मान लिया इसके अंदर कोई पॉइंट लिया, एक्स बिलोंग करता है एस आर एक्स जीरो में, तो एक्स और एक्स जीरो का जो डिस्टेंस है वो लेस देन आर आएगा, तो आर माइनस डी एक्स एक्स जीरो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, पॉजिटिव संख्या होगा, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन इससे, आर जो है बड़ा इससे, तो इतना माइनस इतना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसको हमने नया नाम दिया रो, इसको हमने रो नाम दे दिया, तो रो हमारा है आर माइनस डी एक्स एक्स जीरो, और जब इसको हमने रो नाम दिया तो रो एक पॉजिटिव संख्या आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब हम एक क्लेम कर रहे हैं, क्लेम का हिंदी मतलब होता है दावा, तो हम एक दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो ओपन स्फीयर है एस रो एक्स, इसका सेंटर एक्स है, रेडियस रो है, यह इस
ओपन स्फीयर के अंदर कंटेन है, मतलब ये जो ओपन स्फीयर है यह सबसेट है एस आर एक्स जीरो का। अगर ये हमारा दावा अगर वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया, तो ये बन जाएगा ओपन सेट, क्योंकि ओपन सेट बनने के लिए उसके अंदर एक ओपन स्फीयर का होना जरूरी है। तो ये ओपन स्फीयर है, इसका सेंटर एक्स है, रेडियस रो है, तो हमें इस दावा को वेरीफाई करना है, इसका वेरिफिकेशन हमें करना है। एक बात याद रखिए हमेशा के लिए, जैसे मान लो आपको ए सबसेट बी प्रूफ करना है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? जैसे आपको प्रूफ करना है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल है, एक पॉइंट ले लीजिए वाई ए में, और अगर ये पॉइंट वाई अगर बी में पहुंच गया, पॉइंट आपने कहाँ लिया ए में, और वो पॉइंट कहाँ जा रहा है बी में, इसका मतलब होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब ए के अंदर कोई भी एक पॉइंट लीजिए और वो जो पॉइंट आपने लिया है वह बी के अंदर चला जाना चाहिए, तो ए जो है वह बी का सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है एस रो एक्स इज अ सबसेट ऑफ एस रो एस आर एक्स जीरो। तो हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं वाई, मान लेते हैं वाई बिलोंग करता है एस रो एक्स में, वाई जब इसमें बिलोंग करता है तो वाई और एस का जो डिस्टेंस है वो लेस देन रो आएगा, वाई और एस का डिस्टेंस लेस देन रो आएगा, क्योंकि वाई इस स्फीयर के अंदर बिलोंग करता है, इस स्फीयर का सेंटर एक्स है और रेडियस रो है, तो वाई और एस का जो डिस्टेंस है वो रो से छोटा आएगा। रो का वैल्यू क्या माने थे अपन, आर माइनस डी एक्स एक्स जीरो रख दिए, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का प्लस हो गया, इसे इक्वेशन वन दिए। अब एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस के तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगे। मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो डी वाई एक्स जीरो या लेजर इक्वल टू होगा डी वाई एक्स प्लस डी एक्स एक्स जीरो। मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी आप याद कीजिए, इन दोनों के बीच में एक्स हमने डाल दिया, ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा। अब आप देख रहे हो इस क्वांटिटी को, आप देखिए ये किससे लेस देन है, आर से, ये आर से लेस देन है, और ये क्वांटिटी से लेस देन है डी वाई बाई एक्स जीरो। इन दोनों को हम मिक्स कर दें, इससे ग्रेटर देन ये है और इससे ग्रेटर देन आर है, तो डी वाई एक्स जीरो लेस देन आर आएगा। इसका मतलब ये है कि वाई बिलोंग करता है एस रो एक्स में, ये इम्प्लाई कर रहा है डी वाई एक्स जीरो लेस देन आर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा एक ऐसे स्फीयर में जिसका सेंटर x0 होगा, रेडियस r। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि y और x0 का जो डिस्टेंस है वह r से छोटा है, तो y और x0 का जब डिस्टेंस r से लेस देन है तो y इस ओपन स्फीयर में जरूर बिलोंग करेगा। तो y हमने कहाँ से लिया था, s रो x से, और y कहाँ पहुँच गया, एस आर एक्स जीरो में, तो एस रो x जो है यह सबसेट हो गया एस आर एक्स जीरो का। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो हम बोलेंगे एस आर एक्स जीरो इज एन ओपन सेट, एस आर एक्स जीरो एक विवृत्त समुच्चय है। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत सारे बच्चे जो है इससे कंफ्यूज रहते हैं और आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे, कुछ बातें आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं बोलता हूँ ये ओपन स्फीयर है, ये है ना, इसका सेंटर मान लो एक्स जीरो लिया, रेडियस आर लिया, इसका नाम क्या होगा, एस आर एक्स जीरो। अब यहाँ कोई पॉइंट है मान लो वाई इसके अंदर, तो बताइए वाई और एक्स जीरो का डिस्टेंस आर से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो आप बोलोगे अगर वाई और एक्स जीरो का हम डिस्टेंस निकालें तो आर से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम होगा ना आर से। अगर मैं वाई यहाँ ले लूँ, वाई अगर बाहर ले लूँ, तो x0 और y का जो डिस्टेंस है वो r से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब y और x0 का डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो ग्रेटर देन आर आएगा, क्योंकि i जो है y जो है इस स्फीयर के बाहर है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कब क्या होगा, है ना, ठीक है। आगे कोई डाउट आता है हमसे पूछिए। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 173। इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। किसी द्विक समष्टि में विवृत्त समुच्चयों के एक स्वेच्छ संग्रह का संघ विवृत्त होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे ओपन सेट लेने हैं, सबका यूनियन करना है, और वो यूनियन करने के बाद में भी वह ओपन सेट ही रहेगा, ये हमें साबित करना है। तो लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मान लो एल डी एक द्विक समष्टि है, एंड लेट जी आई आई बिलोंग टू आर्बिट्री सेट। इस जो साइन है इसको हम आर्बिट्री सेट पढ़ते हैं, इंडेक्स सेट, है ना,
आर्बिट्री कलेक्शन है, इंडेक्स सेट बोलते हैं इसको या आर्बिट्री सेट। तो ये जो कलेक्शन है बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स। तो बहुत सारे ओपन सेट का कलेक्शन लिया, यहाँ पे जितने भी जी आई है सब ओपन सेट है। जी आई का मतलब केवल जी आई नहीं है, जी वन भी आया, जी टू भी आया, जी थ्री भी आया, जी फोर भी आया, जी फाइव भी आया। इस प्रकार से जितने भी जी आई हैं सारे जो है वह ओपन सेट है, मतलब दिस इज द कलेक्शन आर्बिट्री कलेक्शन, इसमें जितना चाहे आप ले सकते हो। आर्बिट्री का हिंदी मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ मतलब आप जितना चाहे, दो ले सकते हो, चार ले सकते हो, दस ले सकते हो, हजार ले सकते हो, जितना चाहे आप ले सकते हो, है ना। तो ये क्या है, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स। किसका कलेक्शन है ये, ओपन सेट्स का कलेक्शन है, विवृत्त समुच्चयों का कलेक्शन है, संग्रह है। अब हमें क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो देट इसका जो यूनियन है, यूनियन ऑफ जी आई, मतलब जी वन यूनियन जी टू यूनियन जी थ्री यूनियन जी फोर, इस प्रकार से जितने भी जी आई आपने लिया है सबका जब यूनियन कर देंगे इज ऑल्सो एन ओपन सेट, इसका यूनियन भी एक विवृत्त समुच्चय होता है। अब यहां पे आपने बोला है जी आई एक ओपन सेट है, जितने भी जी आई सबको ओपन सेट बोला है, तो ओपन सेट का डेफिनेशन में आइए। ओपन सेट का डेफिनेशन कहता है कि जी आई के अंदर एक ओपन स्फीयर आएगा, ये ओपन स्फीयर आ गया जी आई के अंदर। क्यों आया, क्योंकि जी आई क्या है, ओपन सेट है, विवृत्त समुच्चय है। तो जी आई के अंदर एस आर एक्स आ जाएगा, एस आर एक्स क्या है, ओपन स्फीयर है। तो ओपन स्फीयर किसके अंदर आएगा, जी आई के अंदर। क्यों, क्योंकि जी आई एक ओपन सेट है। अब जी आई और यूनियन ऑफ जी आई में कौन किसका सबसेट होगा, जी आई जो है यह सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी आई का। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एस आर एक्स ये सबसेट है जी आई का, और जी आई स्वयं सबसेट है यूनियन ऑफ जी आई का। तो एस आर एक्स जो है यह सबसेट हो जाएगा यूनियन ऑफ जी आई का। एक बार और बताता हूँ, देखो एस आर एक्स सबसेट है किसका, जी आई का। क्यों सबसेट है, क्योंकि जी आई क्या है, ओपन सेट है। ओपन सेट का डिफिनेशन कहता है कि इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आएगा। तो एस आर एक्स सबसेट आया जी आई का। अब जी आई सबसेट है किसका, क्योंकि यूनियन तो बहुत बड़ा होगा ना, तो यूनियन जो होगा उसके अंदर जी आई जरूर होगा। तो जी आई सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ जी आई का। अब इन दोनों को मिला दो आप, तो हमारा एस आर एक्स सबसेट हो गया यूनियन ऑफ जी आई का। तो यूनियन ऑफ जी आई भी क्या बन गया, ओपन सेट बन गया, क्योंकि इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आ गया। जब इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 174। इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। किसी द्विघात समष्टि में परिमित संख्या में विवृत्त समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवृत्त होता है। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, बहुत सारे हमें ओपन सेट लेने हैं, उनका इंटरसेक्शन करना है। मतलब ओपन सेट हमें फाइनाइट संख्या में लेना है, परिमित संख्या में, परिमित नंबर ऑफ ओपन सेट्स। इसमें या तो दो लेंगे या चार लेंगे या छह लेंगे, फिक्स रहेगा उनकी संख्या जो है, निश्चित रहेगा। क्योंकि क्या लिखा है, परिमित संख्या में विवृत्त समुच्चय। परिमित संख्या मतलब जिनकी संख्या हम बता सकते हैं, पाँच है कि दो है कि तीन है ना, तो उनका इंटरसेक्शन करना है। और इंटरसेक्शन करने के बाद में जितने भी ओपन सेट है, फाइनाइट संख्या में ओपन सेट लेंगे, उनका इंटरसेक्शन करेंगे। और वो इंटरसेक्शन करने के बाद में वो भी एक ओपन सेट ही होना चाहिए। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लो एल डी एक द्विघ समष्टि है। लेट जी आई, आई का रेंज लिया 1, 2, 3 एंड सो ऑन एन। क्यों एन तक लिया, क्योंकि फाइनाइट कलेक्शन लेना है क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। बी अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स, मतलब जितने भी जी आई हैं सभी ओपन सेट हैं एस के। जी आई मतलब क्या आएगा, पहले जी वन आएगा, फिर जी टू आएगा, फिर जी थ्री आएगा, फिर जी एन आएगा। मतलब आई का रेंज 1 आएगा, आई की वैल्यू 1 आएगा, फिर आई की जगह 2 आएगा, फिर आई प्लस 3 आएगा। तो जितने भी जी आई हैं सारे ओपन सेट हैं, ये फाइनाइट कलेक्शन लिया ओपन सेट का। हिंदी में जी आई, जहाँ पे आई का रेंज 1 से एन तक है, एस के विवृत्त समुच्चयों का एक परिमित संग्रह है। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें दर्शाना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है जी आई का, आई का रेंज 1 से एन, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, G1 इंटरसेक्शन, G2 इंटरसेक्शन, G3 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन GN। तो इस प्रकार से इसका इंटरसेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूँ
इंटरसेक्शन जी आई, आई का रेंज लिया 1 से 3 मान लो, ये आएगा G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3। अगर मैं लिखता हूँ इंटरसेक्शन जी आई, आई का रेंज 1 से n, तो क्या आएगा G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन n, सॉरी इंटरसेक्शन GN तक आएगा। ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है क्योंकि आई का रेंज 1 से n तक है या 1 से 3 तक है। तो हमें ये जो इंटरसेक्शन है ये इसको भी ओपन सेट बताना है, विवृत्त समुच्चय प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं इसके अंदर कोई पॉइंट x, x बिलोंग करता है इस इंटरसेक्शन में। जब x इस इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो हर एक gi में बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग करेगा gi में फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n। अब gi क्या है, gi को हमने ओपन सेट बोला है, जितने भी gi हैं सभी ओपन सेट हैं। तो ओपन सेट का डेफिनेशन याद करो, तो ओपन सेट का डेफिनेशन बोलता है कि gi के अंदर एक ओपन स्फीयर आएगा। इस प्रकार का ओपन स्फीयर जो है gi के अंदर आया, क्यों, gi क्या है, ओपन सेट है। तो ओपन सेट होने के कारण ये जो ओपन स्फीयर है वो किसके अंदर आएगा, जीआई के अंदर। यहां पर जीवन के अंदर आ गया एस आर वन एक्स, यहां पे आई के लूबर रखोगे तो यहां भी जीवन आ जाएगा, टू रखोगे टू आ जाएगा। अब हम बहुत छोटा रेडियस बना रहे हैं आर, आर मान लिए मिनिमम ऑफ आर वन आर टू एंड सो ऑन आर एन, मतलब छोटा छोटा रेडियस लेकर हम एक स्फीयर बनाएंगे। इसका सेंटर तो वही रहेगा एक्स, लेकिन रेडियस आर रहेगा और आर जो है वह मिनिमा है आर वन आर टू आर थ्री आर एन, मतलब आर वन से भी छोटा है, आर टू से भी छोटा है, आर थ्री से भी छोटा है, आर एन से भी छोटा है, सभी का मिनिमम जो वैल्यू है वो आर है। तो ये बहुत छोटा स्फीयर बनेगा क्योंकि इसका जो रेडियस है सबसे कम है, और ये जो है ये सारे सभी जी आई के अंदर जाएगा क्योंकि इस टाइप का स्फीयर किसके अंदर है, जी आई के अंदर। तो इस टाइप का स्फीयर भी जीआई के अंदर जाएगा क्योंकि आर जो है आर वन आर टू आर थ्री आर एन सबसे छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि एस आर एक्स यह हर एक जीआई के अंदर जाएगा, सभी जीआई के अंदर जाएगा फॉर ऑल आई के लिए। इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है वह इंटरसेक्शन ऑफ जीआई में पहुंच जाएगा। जब इंटरसेक्शन ऑफ जीआई में पहुंच गया मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ जीआई क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा क्योंकि इस ओपन सेट के अंदर ओपन स्फीयर आ गया है। एक बार और मैं समझाता हूँ इसको, यहाँ पे आप देखिए जी आई क्या है, ओपन सेट है। जब जी आई ओपन सेट है तो इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आएगा, क्यों, क्योंकि ओपन सेट का डेफिनेशन है, कोई भी सेट ओपन सेट तभी कहलाता है जब उसके अंदर एक ओपन स्फीयर आ जाता है। तो जी आई के अंदर आ जाएगा एस आर आई एक्स, इसका सेंटर एक्स है, रेडियस आर आई है। तो जैसे आप वन रखते हैं तो जी वन के अंदर आएगा एस आर वन एक्स, मतलब सेंटर एक्स रहेगा, रेडियस आर वन रहेगा। जी टू के अंदर आर टू रेडियस वाला रहेगा, जी थ्री के अंदर आर थ्री रेडियस वाला रहेगा। तो हमें जितने भी जी आई हैं, जितने भी जी आई हैं, जी वन हो चाहे जी टू हो चाहे जी थ्री हो चाहे जी एन हो, सबके अंदर एक ओपन स्फीयर चाहिए। तो वो कितने रेडियस वाला होगा, आर, क्योंकि आर क्या है, मिनिमा है, किसका, आर वन का आर टू का आर थ्री का। तो इनमें जो सबसे छोटा होगा वो आर है। तो आर रेडियस वाला जो स्फीयर होगा वो जी वन के अंदर भी होगा, जी टू के अंदर भी होगा, जी थ्री के अंदर भी होगा, जी एन के अंदर भी होगा, सबके अंदर होगा। जब सबके अंदर हो गया मतलब इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ये जो स्फीयर है वह इंटरसेक्शन ऑफ जी आई के अंदर आएगा, मतलब ये जो स्फीयर है वह सबसेट होगा इंटरसेक्शन ऑफ जी आई के। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ जी आई जो है ये कहलाएगा ओपन सेट विवृत्त समुच्चय। इसे नोट कीजिए, जो डाउट आता है हमसे पूछिए। कुछ बातें आप लोगों को याद रखने हैं। ओपन स्फीयर हिंदी में कहते हैं विवृत्त गोलक, क्या होता है, एस आर एक्स जीरो। इसमें ऐसे पॉइंट आएंगे जिनका एक्स जीरो से हम डिस्टेंस निकालें तो लेस देन आर होगा, तो ये कहलाता है ओपन स्फीयर हिंदी में विवृत्त गोलक। एक होता है ओपन सेट, इस जी को हम ओपन सेट तभी कहेंगे जब इस प्रकार का ओपन स्फीयर जो है वह जी के अंदर कंटेन हो जाए। अगर एस आर एक्स जी के अंदर कंटेन है, यहाँ x जो है g का पॉइंट होना चाहिए और r कोई पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक राशि है, और इस प्रकार का ओपन स्फीयर अगर g के अंदर कंटेन होता है, g का सबसेट होता है, तो g कहलाएगा ओपन सेट विवृत्त समुच्चय। ये कुछ रिजल्ट है जिसका हम प्रूफ दे चुके हैं। एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट, प्रत्येक विवृत्त गोलक विवृत्त समुच्चय होता है, इसका प्रूफ दे चुके हैं। द यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, विवृत्त समुच्चयों के स्वेच्छ संग्रह का संघ एक विवृत्त समुच्चय होता है।
द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, परिमित संख्या में विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक विवृत समुच्चय होता है। और क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है जानिए। जैसे ओपन स्फीयर में यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते, यहाँ बाउंड्री पॉइंट भी शामिल होगा। इन दोनों को लिखने के तरीके में थोड़ा अंतर है, यहाँ एस आर एक्स जीरो है, यहाँ एस आर एक्स जीरो में से लार्ज ब्रैकेट यूज किया है। इसमें ऐसे पॉइंट आएंगे जिसका डिस्टेंस एक्स जीरो से लेस देन आर इक्वल टू आर होगा, तो ये कहलाएगा क्लोज्ड स्फीयर। इसका सेंटर एक्स जीरो है और रेडियस आर है। कुछ बातें और आपको बता देते हैं। क्लोज्ड सेट क्या होगा? यदि जी ओपन सेट है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स माइनस जी, ये कहलाएगा क्लोज्ड सेट। तो जी ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सेट। एक्स माइनस जी को हम जी की कॉम्प्लीमेंट, जी के ऊपर से सी लिख देंगे, इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी क्या होता है? एक्स माइनस जी, इस प्रकार से नोट करते हैं। तो जी अगर विवृत समुच्चय है तो एक्स माइनस जी को हम संवृत्त समुच्चय कहेंगे, क्लोज्ड सेट कहेंगे, है ना। ये भी याद रखिए, जी अगर ओपन सेट है तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट हुआ, अगर जी अगर क्लोज्ड सेट है तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। तो जी अगर ओपन सेट है तो जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्लोज्ड सेट। और जी अगर क्लोज्ड सेट है तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये हमारा एरिया जी का है, अब ये वाला एरिया किसका होगा? एक्स माइनस जी का। ये अगर ओपन सेट है तो ये क्लोज्ड सेट होगा, अगर ये क्लोज्ड सेट है तो ये ओपन सेट होगा। इस डायग्राम में देखो, ये पूरा एरिया जी का है, ये पूरा एरिया जी का है, तो ये एरिया किसका होगा? एक्स माइनस जी का। इसी को हम बोलेंगे जी का कॉम्प्लीमेंट, इस एरिया को ही जो डॉट डॉट है इसी को हम जी का कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखना, जी अगर ओपन सेट है तो एक्स माइनस जी क्लोज्ड सेट होगा, अगर जी अगर क्लोज्ड सेट है तो एक्स माइनस जी ओपन सेट होगा। मैं आपको ओपन सेट के बारे में अच्छा समझाता हूँ। ये देखो, ये ओपन स्फीयर आपको दिख रहा है, इसका सेंटर एक्स जीरो, रेडियस आर है। अगर ये ओपन स्फीयर इस जी के अंदर है, ये हमारा जी है, इस जी के अंदर है, तो जी क्या कहलाएगा? ओपन सेट, विवृत समुच्चय। तो जी के ओपन सेट बनने के लिए ये जो ओपन स्फीयर है वो जी के अंदर आना चाहिए। अब ये जो एरिया जो बच गया डॉट 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 डॉट, ये एरिया, ये कहलाएगा एक्स माइनस जी। ये क्या कहलाएगा? एक्स माइनस जी, जी का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया है मैट्रिक स्पेस, दूरी की समष्टि। और क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है? इसमें बाउंड्री भी शामिल होगा, ये इसमें जैसे बाउंड्री शामिल नहीं है, इसे बाउंड्री भी शामिल होगा, ये सारे एक जीरो, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड स्फीयर। कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ बातें और जानकारी आप याद रखिए। जैसे एक्स बिलोंग करते हैं एस आर एक जीरो, तो एक्स और एक जीरो का डिस्टेंस लेस देन आर होगा। इसमें एक्स और एक जीरो का डिस्टेंस ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर होगा। इसमें एक्स और एक जीरो का डिस्टेंस लेस देन आर इक्वल टू आर होगा। इसमें एक्स बिलोंग नहीं करता है, तो एक्स और एक जीरो का जो डिस्टेंस है वह ग्रेटर देन आर आएगा। जैसे एक्स और एक्स जीरो का डिस्टेंस लेस देन आर है तो एक्स बिलोंग करेगा इस स्फीयर में, अगर लेस देन इक्वल टू आर है तो इस स्फीयर में बिलोंग करेगा, क्लोज्ड स्फीयर में। अगर एक्स और एक्स जीरो का डिस्टेंस ग्रेटर देन आर है तो यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तो यहाँ बिलोंग नहीं करेगा एक्स। ये बातें आपको याद रखना है सारी। जैसे एक्स बिलोंग कर रहा है जी में, तो एक्स जो जी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। एक्स बिलोंग कर रहा है जैसे जी में, तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा कहाँ? एक्स माइनस जी। एक्स बिलोंग करा है जी के कॉम्प्लीमेंट में, तो जी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बात याद रखिए कि जो जी में होगा वो जी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो जी के कॉम्प्लीमेंट में है वो जी में नहीं होगा, है ना, क्योंकि जी आई है एक्स माइनस जी, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ नहीं रहेगा, जो यहाँ जैसे एक्स अगर जी में है तो एक्स एक्स माइनस जी में नहीं बिलोंग करेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। किसी दूरी समष्टि में प्रत्येक संवृत्त गोलक एक संवृत्त समुच्चय होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड सेट। हमने एक मैट्रिक स्पेस मान लिया, एक क्लोज्ड स्फीयर हमने ले लिया, हिंदी में बोलते हैं संवृत्त गोलक। अब हमें इस क्लोज्ड स्फीयर को क्या बताना है? क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड सेट, तो हमें इसे बताना है इज अ क्लोज्ड सेट, यह क्लोज्ड सेट है। तो ये क्लोज्ड सेट तभी बनेगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट होगा, मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हमें क्या बताना पड़ेगा? ओपन सेट बताना पड़ेगा, विवृत समुच्चय। अगर ये ओपन सेट हो जाए, क्योंकि इसी का कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये ओपन सेट हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड सेट कहलाएगा। तो चलिए, हमने मान लिया एक्स बिलोंग करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट में, तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा एस आर एक्स जीरो में, इसका मतलब है एक्स और एक्स जीरो का डिस्टेंस ग्रेटर देन आर आएगा, तो आर को इधर ले आइए तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इसको हमने नया नाम रो दे दिया।
तो रो क्या है हमारा डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर, इसको रो नाम दे, रो पॉजिटिव संख्या है। अब हम क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि एस आर एक्स जो है इस एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, मतलब ये इसका सबसेट है। अगर ये दावा हमारा वेरीफाई हो गया, इसका वेरिफिकेशन अगर हो जाता है, तो ये जो एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन सेट बन जाएगा। क्यों ओपन सेट बनेगा? क्योंकि इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आ रहा है। तो ठीक है, इस दावा का हम वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं वाई, वाई बिलोंग करता है एस रो एक्स में, तो वाई और एस का जो डिस्टेंस है लेस देन रो आएगा, रो का वैल्यू रख देते हैं इसको, तो आर को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो आर लेस देन आएगा डी एक्स एक्स जीरो माइनस डी वाई एक्स, या आप इसको इधर ऐसे लिख सकते हो, डी वाई एक्स को डी एक्स वाई भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर वन हमने दे दिया। अब हमारा जो एक्स डी है वो मैट्रिक स्पेस है, तो मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी आप यूज कीजिए, डी एक्स एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो, इन दोनों बीच में वाई लिया है लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों बीच में क्या लिया है वाई, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। इसको आप इधर ले आइए, माइनस साइन आएगा, इसको आप इस साइड लिख दीजिए, इसको इस साइड लिख दीजिए, ये लेस देन इक्वल टू, ये इधर आए ग्रेटर इक्वल टू लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब इक्वेशन नंबर वन आप देखिए, वन में हम देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है या ग्रेटर देन है किससे, आर से। इक्वेशन नंबर टू में ये क्वांटिटी से ग्रेटर देन ये है, तो इससे लेस देन ये है और इससे लेस देन आर है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन होगा आर से। इसका मतलब वाई और एक्स, वाई और एक्स, वाई जो है बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई और एक्स जीरो का डिस्टेंस ग्रेटर देन आर है, तो वाई बिलोंग नहीं करेगा एस आर एक्स जीरो में। जब यहाँ बिलोंग नहीं करेगा तो कहाँ बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने वाई कहाँ से लिया था, एस रो एक्स से, वाई कहाँ पहुँच गया, एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, तो ये क्या बन गया, ओपन सेट। तो हम इसके बारे में लिखेंगे ओपन सेट है विरुद्ध समुच्चय। जब ये ओपन सेट बना तो ये क्या बन गया, क्लोज्ड सेट। तो इसको एक बार नोट कीजिए, जहाँ डाउट आता है हमसे पूछिए। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 176। इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। किसी द्विघात समष्टि में संवृत्त समुच्चयों के एक स्वेच्छ संग्रह का सर्वनिष्ठ संवृत्त होता है। तो लेट मान लेते हैं, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, मान लो एक्स डी एक द्विघात समष्टि है, एंड लेट एफ आई, आई वेरी कर रहा है इंडेक्स सेट में, आर्बिट्री सेट में, इसको हम आर्बिट्री सेट बोलते हैं, इंडेक्स सेट भी बोलते हैं, है ना। मतलब आई के वैल्यू कुछ भी आप ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, जो मर्जी आप ले सकते हो, क्योंकि आर्बिट्री सेट है, इंडेक्स सेट है। तो एफ आई, जहाँ पे आई वेरी कर रहा है इंडेक्स सेट में, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स, मतलब एस के जितने भी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स ऑफ एक्स, एस के जितने भी क्लोज्ड सेट है उनका एक हमने कलेक्शन लिया है, वो भी आर्बिट्री कलेक्शन, आर्बिट्री कलेक्शन लिया है, स्वेच्छ संग्रह हम बोलेंगे हिंदी में। तो जितने भी एफ आई हैं सब क्लोज्ड सेट है, सभी जो है संवृत्त समुच्चय है। तो मान लो एफ आई एस के संवृत्त समुच्चयों का एक स्वेच्छ संग्रह है। अब हमें बताना है इसका जो इंटरसेक्शन है, एफ आई का जो इंटरसेक्शन है वह भी क्लोज्ड सेट है। हमें दर्शाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई और भी एक संवृत्त समुच्चय है, इज आल्सो अ क्लोज्ड सेट। तो इसको हमें क्लोज सेट बताना है। चलिए, यहाँ हमने जी आई मान लिया एक्स माइनस एफ आई, तो एफ आई को हमने क्या बोला था, क्लोज्ड सेट। तो जी आई क्या बनेगा, ओपन सेट, क्योंकि एफ आई का कॉम्प्लीमेंट है जी आई, तो एफ आई को हमने क्लोज्ड सेट कहा है, तो जी आई क्या बन गया, ओपन सेट। हमारे पास एक रिजल्ट है, इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो ये जी आई क्या है, ओपन सेट है, जिसका यूनियन लेंगे तो भी ओपन सेट आएगा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये ओपन सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा, ये एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई क्लोज सेट होगा। अब हम डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं, ये डी मॉर्गन लॉ याद रखिए। तो एक्स माइनस यूनियन ऑफ जी आई को हम लिख सकते हैं इंटरसेक्शन एक्स माइनस जी आई, तो ये अगर क्लोज्ड सेट है तो ये भी क्लोज्ड सेट हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं एफ आई, क्यों, जी आई हमने क्या लिया था, एक्स माइनस एफ आई, तो एफ आई क्या आएगा, एक्स माइनस जी आई, एफ आई को इधर ले आओ, जी आई को इधर ले आओ, इसको हम एफ आई बोलेंगे। ये क्या बन गया हमारा, क्लोज्ड सेट, हमें यही प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और करते हैं, इन अ मैट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। अब फाइनाइट कलेक्शन लेना है क्लोज सेट का, उसका यूनियन करेंगे, उसका भी क्लोज सेट बताएंगे। तो हमने मान लिया एल डी मैट्रिक स्पेस है, द्विघात समष्टि है, हमने एक कलेक्शन तैयार किया एफ आई क्लोज सेट का, और आई करेंज वन से एन फाइनाइट लिए, बी अब फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट, जितने भी एफ आई हैं सब क्लोज्ड सेट है, लेकिन आई करेंज वन से कहाँ तक है, एन तक है,
तो हमने सवृत समुच्चयों का एक परिमित संग्रह लिया। अब इसका जो यूनियन है, फाइनाइट यूनियन, इसको भी हमें क्या बताना है, क्लोज्ड से इसको सवृत समुच्चय साबित करना है, यूनियन ऑफ एफ आई को, आई का रेंज 1 से एन तक है। तो हमने मान लिया जी आई को हमने क्लोज्ड सेट कहा था, तो जी आई क्या बन जाएगा, ओपन सेट। ये रिजल्ट आप याद रखिए, इन अ मैट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ओपन सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो भी वो ओपन सेट होता है, ये ओपन सेट हो जाएगा। तो ये जब ओपन सेट हुआ तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब x माइनस इंटरसेक्शन जी आई निकालेंगे, ये बन जाएगा क्लोज्ड सेट। अब हम डिमार्गन लॉ लगाते हैं, तो डिमार्गन लॉ से ये इंटरसेक्शन बन जाता है यूनियन और x माइनस जी आई। तो अगर ये क्लोज्ड सेट है तो ये भी क्लोज्ड सेट हुआ, ये भी सवृत समुच्चय हुआ। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ आई, क्योंकि जी आई हमने लिया था x माइनस एफ आई, एफ आई आएगा x माइनस जी आई। तो यूनियन ऑफ एफ आई, आई करेंज 1 से n है, ये क्या बन गया, क्लोज्ड सेट सवृत समुच्चय। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। तो जहाँ भी डाउट आता है पूछिए, इसका नोट कीजिए एक बार। मैट्रिक स्पेस जो हम पढ़ रहे हैं, दूरिक समष्टि, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैट्रिक स्पेस है क्या, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे डाउट्स उसके मन में हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखो, एक्स को हम बोलते हैं सेट, सेट में हिंदी में हम कहते हैं समुच्चय। सबसे पहले तो आपको सेट समझ में आना चाहिए, सेट क्या होता है, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है। जब तक आप सेट को नहीं जानोगे तब तक मैट्रिक स्पेस तो बहुत दूर की बात है, आपको सेट को जानना जरूरी है। सेट क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कुछ कलेक्शन तैयार किया 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, तो ये कहलाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हमने सेट क्यों कहा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में बोले किसी विशेष प्रकार के वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो जैसे जरूरी नहीं है कि सेट में नंबर्स ही लें, हम सेट में ऐसे भी ले सकते हैं ABCD इस प्रकार से ले लिए, ये लोअर केस अल्फ़ाबेट का सेट है, सेट ऑफ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स। तो हम देख रहे हैं कि सेट, सेट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे अवयवों का संग्रह, वो कहलाता है सेट। अब जैसे ये सेट है हमारा एक, ये दूसरा सेट है, ये पहला सेट को हमने मान लिया G1 नाम दिया, दूसरा सेट को G2 नाम दिया। तो ये जो एरिया कहलाता है, दोनों का इंटरसेक्शन वाला एरिया हुआ, मतलब इस एरिया को हम बोलेंगे G1 इंटरसेक्शन G2। इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। ये हमारा G1 है, ये हमारा G2 है, और ये टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया कहलाएगा G1 यूनियन G2। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में अंतर है। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जो पॉइंट G1 और G2 दोनों में है वही इंटरसेक्शन में आएगा, मतलब ऐसा पॉइंट जो G1 के अंदर भी हो और G2 के अंदर भी हो, मतलब G1 सेट में भी वो एलिमेंट होना चाहिए और G2 सेट में भी वो एलिमेंट होना चाहिए, तभी वह G1 इंटरसेक्शन G2 में आएगा। यूनियन के लिए ऐसा रूल नहीं है, यूनियन के लिए कोई भी एक में हो, अगर वो G1 में हो तो भी यूनियन में आ जाएगा, अगर वो G2 में है तो भी यूनियन में आएगा, अगर वो दोनों में है तो भी यूनियन में आएगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन को आप समझिए। तो सेट क्या होता है, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट मतलब मान लो हमने दो सेट लिया है, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन है वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। और यूनियन, यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स, चाहे वो G1 में हो या G2 में हो या इंटरसेक्शन में, सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनियन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन और यूनियन को आप समझिए। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, जैसे मान लिखता हूँ मैं G1 यूनियन G2 यूनियन G3 इस प्रकार से, जिसको शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे यूनियन ऑफ GI, आई इज इक्वल टू 1, 2, 3। अगर मैं लिखता हूँ G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन 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 GN, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे यूनियन ऑफ GI, आई का रेंज 1 से N। तो इसमें एक सीक्वेंस है, देखो G1 के बाद G2 आया, G3 आया, इस प्रकार से चलते रहते GN आ गया। लेकिन अगर मान लो हम कोई सीक्वेंस को फॉलो ना करें और कुछ भी यूनियन करें, जैसे हमने लिया G2 यूनियन G5 यूनियन G1 यूनियन, कुछ भी
कोई पहले ले कोई बाद में, तो इसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ जी आई, और आई वेरी करता है इंडेक्स सेट में, आर्बिट्री सेट में, ये आर्बिट्री यूनियन हुआ क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें तो फाइनाइट नंबर है, आप गिन सकते हो, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, एन तक आएगा, यहाँ भी वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, ये फाइनाइट यूनियन हुआ, यहाँ भी फाइनाइट हुआ क्योंकि वन से एन है, लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी यूनियन हम जितना चाहे मेम्बर ले सकते हैं, यूनियन में कितने हैं ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, आर्बिट्री यूनियन, आई के रेंज आर्बिट्री सेट, इसको हम आर्बिट्री सेट कहते हैं, इंडेक्स सेट, इसको कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा, तो ये फाइनाइट यूनियन है या आर्बिट्री यूनियन है, वैसे इंटरसेक्शन में भी, जैसे जी वन इंटरसेक्शन जी टू इंटरसेक्शन जी थ्री लिखा, तो इसको शॉर्टकट में लिखोगे इंटरसेक्शन जी आई, आई इज इक्वल टू वन से थ्री, अगर मैं लिखता हूँ जी वन इंटरसेक्शन जी टू इंटरसेक्शन जी थ्री इंटरसेक्शन एन सो ऑन जी एन, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे इंटरसेक्शन जी आई, आई इज इक्वल टू वन से एन, अगर मैं लिखता हूँ जी थ्री इंटरसेक्शन जी सेवन इंटरसेक्शन जी वन इंटरसेक्शन कुछ भी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, ये लिखेंगे इंटरसेक्शन जी आई, और आई का आई बिलोंग करता है आर्बिट्री सेट में, मतलब आई की वैल्यू कुछ भी हम ले सकते हैं, इस प्रकार से इंटरसेक्शन और यूनियन को आप समझना जरूरी है। हम यहाँ पे हम आपको बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट बताए, सबसे पहले हमने मैट्रिक स्पेस के बारे में बताया, और हमने कहा कि मैट्रिक स्पेस बनने के लिए यहाँ पर मैट्रिक का होना जरूरी है, इसको हमने कहा था सेट, समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट मतलब यह एक ऐसा सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, बिल्कुल भी रिक्त नहीं है ये, और बी को हमने कहा था मैट्रिक, मैट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरिक या डिस्टेंस आप बोल सकते हो डिस्टेंस। तो मैट्रिक बनने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बताया कि डी एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा गेस करो आप, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, ये बताओ दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, 100% पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस निकालोगे, दो अलग अलग पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, इन दोनों बीच का डिस्टेंस अगर निकालते हैं, दूरी निकालते हैं, तो पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों पॉइंट सेम है, यही एक्स है यही पॉइंट वाई है, तो डिस्टेंस जीरो आ जाएगा। तो इसमें बोलता है अगर हम एक्स और वाई का डिस्टेंस जीरो बोलते हैं, इसका मतलब है एक्स और वाई इक्वल है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। आप बताइए एक्स और वाई का डिस्टेंस और वाई और एक्स का डिस्टेंस सेम होगा, कोई भी दो पॉइंट लें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक्स से वाई नापें या वाई से एक्स लें, इक्वल ही आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई या लेस देन होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये भी हम आपको बताए थे, जैसे मतलब तीन पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है और एक पॉइंट जेड ले लिए, अब यहां से आएगा डिस्टेंस और इसको प्लस करें, यहां से आओ इसको, मतलब ये वाला डिस्टेंस एक्स से जेड का और ये वाला डिस्टेंस कौन सा जेड से वाई का, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, अगर एक ही लाइन में तो इक्वल आएगा, मान लो यहाँ एक्स है ये वाई है और ये जेड है, तो एक्स से वाई का जो डिस्टेंस है, एक्स से जेड का डिस्टेंस और जेड से वाई का, इन दोनों को प्लस करें तो एक्स से वाई का डिस्टेंस मिल जाएगा, तो अगर एक ही लाइन में है तो इक्वल आ जाएगा, और लेकिन अगर एक लाइन में नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, एक्स वाई और जेड इस सब प्रकार से अलग अलग है, तो ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर आएगा, मतलब डिस्टेंस आप एक्स वाई या लेस देन आई इक्वल होगा डिस्टेंस आप एक्स जेड प्लस डिस्टेंस आप जेड वाई, इस प्रकार से अगर ये तीन प्रॉपर्टी रखता है तभी डी कहलाएगा मैट्रिक। अब जब डी मैट्रिक का बन गया तो हमारा जो पेयर है एक्स डी, ये कहलाएगा मैट्रिक स्पेस, हिंदी में दूरिक समष्टि। तो मैट्रिक स्पेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज है जो आप डिस्टेंस फंक्शन पढ़ते हो, तो इसको आप नोट कीजिए कॉपी में, जहां समझ नहीं आता हमसे पूछिए। हमने यहां पर आपको एक बताया था ओपन स्फीयर एस आर एक्स, इसको हमने कहा था ओपन स्फीयर, हिंदी में बोलते हैं विवृत्त गोलक। अब एक ये भी बताया था एस आर एक्स इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड स्फीयर, हिंदी में संवृत्त गोलक। अब
ये क्यों आया हमारे कोर्स में, ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन। देखिए ये देखिए, जैसे मान लो ये पॉइंट है एक्स, इसको हमने सेंटर मान लिया और इस प्रकार से एक रेडियस ले लिया आर, ये रेडियस आर है और आर रेडियस लेकर सेंटर एक्स है और रेडियस क्या है आर, हमने एक स्फीयर ड्रा किया। ये ओपन स्फीयर है क्योंकि इसमें बाउंड्री शामिल नहीं है, तो हिंदी में बोलेंगे विवृत्त गोलक, गोला जैसे हमने बना दिया है। अब इसका क्या रोल है देखिए, अगर हमारा पॉइंट इस गोले के अंदर है, ध्यान रखना सेंटर और यहाँ का डिस्टेंस, सेंटर और बाउंड्री का डिस्टेंस आर है, आर को हमने रेडियस कहा है, तो सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस आर है। अगर कोई पॉइंट इसके अंदर, सपोज वाई इसके अंदर है, तो वाई और एस का जो डिस्टेंस होगा या आर से लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस तो आर है और वाई जो है इस बाउंड्री के अंदर है, मतलब इस गोले के अंदर है। इसी प्रकार से अगर वाई अगर बाहर है तो, मतलब इस गोले से बाहर है तो अगर हम वाई और एस का डिस्टेंस निकालें तो यह ग्रेटर देन आएगा आर से, या बाउंड्री में रहेगा तो भी ये बाहर ही बोलेंगे क्योंकि ये बाउंड्री शामिल नहीं है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है। तो अगर बाउंड्री में भी रहेगा वाई तो भी इस गोले के बाहर ही है क्योंकि ये गोला में बाउंड्री शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाई इस गोले में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई और एस का डिस्टेंस आर से छोटा होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। अगर वाई इस गोले में बिलोंग नहीं करता है तो वाई और एस का जो डिस्टेंस है यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर होगा। इसी को उल्टा भी आप समझो कि अगर वाई और एस का डिस्टेंस लेस देन आर है तो वाई बिलोंग करेगा इस गोले में, ये लीजिए। अगर y और s का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो y बिलोंग नहीं करेगा इस गोले में, ये देखिए। तो ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट से हमें डिस्टेंस से जोड़ रहे हैं इसको, है ना। डिस्टेंस अगर डिस्टेंस लेस देन r आ रहा है तभी इस गोले के अंदर बिलोंग करेगा, अगर लेस देन r नहीं आ रहा है तो गोले के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। वैसे हमने क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर में क्या होगा बाउंड्री भी शामिल कर लेंगे, ये सेंटर एक्स है और रेडियस आर है, एस आर एक्स इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों सेम है बस अंतर ये कि इसे बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट लेता हूँ तो वाई अगर इस गोले में बिलोंग करते हैं एस आर एक्स में, ये हमारा क्लोज्ड स्फीयर है संवृत्त गोला, तो इसका मतलब ये है कि वाई और एस का जो डिस्टेंस है यह लेस देन आर इक्वल टू आर हो, इक्वल टू पॉइंट क्योंकि बाउंड्री पॉइंट भी शामिल है इसमें। अगर मैं कहता हूँ वाई बिलोंग नहीं करता एस आर एक्स में तो y और s का जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन r होगा। तो एक चीज याद रखो, मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो यहां पर एक खूंटा है, खूंटा, और इसमें इतने बड़े रस्सी है और मैंने एक घोड़े को बांध दिया, इस खूंटे में रस्सी लगा हुआ है और रस्सी में यहां घोड़ा को बांध दिया, तो ये जो घोड़ा होगा, यहाँ मान लो यहाँ पे पूरा घास लगा हुआ है, इतने एरिया को ही, इतने एरिया के घास को खा पाएगा और बाकी बाहर के जो एरिया में जो घास है उसको नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है और रस्सी की लंबाई इतना ही है और यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये जो घोड़ा होगा ये इस प्रकार से इस पूरे गोल घूमकर इतने एरिया के घास को वह खा पाएगा और बाहर के एरिया को के घास को नहीं खा पाएगा। तो अगर मान लो कोई घास यहाँ पे है और अगर घोड़ा इसको नहीं खा पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस खूंटे से इस घास का जो डिस्टेंस है वो इस आर से, रस्सी की लंबाई से ज्यादा है। और मान लो यहाँ का घास जो है घोड़ा खा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस खूंटे से ये जो घास है इसका जो दूरी है वह इस रस्सी की लंबाई से कम है। तो डिस्टेंस स्फीयर का कॉन्सेप्ट इसी कारण आया, डिस्टेंस फंक्शन के कारण। तो इसको भी आप समझो कि ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैंने ये बात बोला आपको कि अगर मान लो ये ओपन स्फीयर है तो इसको हम ओपन सेट भी बोल सकते हैं, एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? इस प्रकार का ओपन स्फीयर अगर जी के अंदर है, जी, और यहाँ पे याद रखना जो पॉइंट आपने लिया है सेंटर एक्स, वो भी जी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो जो सेंटर रेडियस आप कुछ भी ले सकते हो, आर की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लेना है कुछ भी आप ले सकते हो,
लेकिन ये सेंटर है वो जी का ही मेंबर होना चाहिए। इस प्रकार का ओपन स्फीयर अगर जी के अंदर आता है तो जी कहलाएगा ओपन सेट। अगर इस प्रकार का ओपन स्फीयर जी के अंदर नहीं है तो मान लो ये ओपन स्फीयर जी के अंदर नहीं आता है, जहां पर एक्स जो है जी का पॉइंट है, एक्स किसका पॉइंट है, जी का पॉइंट है, लेकिन ये ओपन स्फीयर जी के अंदर नहीं है तो फिर जी ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट बनने के लिए कंडीशन क्या है, ये ओपन स्फीयर जी के अंदर होना चाहिए। और एक बात याद रखना, ओपन स्फीयर भी स्वयं ही ओपन सेट भी होता है, मतलब एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। कोई भी ओपन स्फीयर का आप ओपन सेट भी बोल सकते हो, इसका आप ओपन स्फीयर भी बोल सकते हो और ओपन सेट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक रिजल्ट है मेरे पास, एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब क्लोज्ड सेट क्या होगा, एक नया वर्ड आया क्लोज्ड सेट, ये क्या होगा, जैसे जी को हमने ओपन सेट कहा, जी को हमने क्या कहा ओपन सेट, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड सेट कहलाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये देखो डायग्राम से आप समझ लीजिए, ये टोटल एरिया एक्स का है, टोटल एरिया एक्स का है, तो इतना एरिया मान लो इतना एरिया जी का है, तो जो बच गया एरिया, ये जो एरिया जो बच गया, ये क्या कहलाएगा, जी का कॉम्प्लीमेंट। या उल्टा हम ऐसे इस प्रकार समझे, ये टोटल एरिया एक्स का है, मान लो इतना एरिया जी का है, इतना एरिया जी का एरिया है, तो जो बच गया एरिया, ये वाला एरिया जो बच गया, ये कहलाएगा जी का कॉम्प्लीमेंट। तो जी अगर ओपन सेट है, जी का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट आएगा, अगर जी अगर क्लोज्ड सेट है तो जी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आएगा। और ओपन सेट बनने के लिए क्या कंडीशन है, इस प्रकार का ओपन स्फीयर जी के अंदर आना चाहिए, अगर ये ओपन स्फीयर जी के अंदर नहीं आता तो जी ओपन सेट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिए, क्लोज्ड सेट और ओपन सेट का। रिजल्ट मैंने आपको बताया, क्या रिजल्ट बताया था, मान लो जी आई ओपन सेट है, बहुत सारे ओपन सेट है, आई के वैल्यू 1, 2, 3, 4 जो आप लेना चाहो, इन सारे ओपन सेट को हम यूनियन कर दें, आर्बिट्री यूनियन, तो भी ओपन सेट होगा। मतलब जी आई ओपन सेट है, जी आई क्या है, ओपन सेट है, फॉर ऑल आई बिलोंग टू इंडेक्स सेट, आर्बिट्री सेट, तो इसका यूनियन भी ओपन सेट होता है। वैसे ही इंटरसेक्शन ऑफ जी आई, आई के रेंज 1 से n, फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये भी ओपन सेट होता है। मतलब ओपन सेट का आर्बिट्री यूनियन भी ओपन सेट होता है, आर्बिट्री यूनियन मतलब स्वेच्छ संघ, ओपन सेट का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होता है। फाइनाइट इंटरसेक्शन को हिंदी में परिमित सर्वनिष्ठ। वैसे ही अगर एफ आई क्लोज्ड सेट है, एफ आई क्या है, क्लोज्ड सेट है, तो इनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन, क्लोज्ड सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड सेट होता है, और इसका फाइनाइट यूनियन ये भी क्लोज्ड सेट होता है, ये रिजल्ट में हमने प्रूफ किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हम प्रूफ कर रहे हैं, इनका हम आगे यूज करेंगे, तभी सब बातों को आप समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, उनको बार बार देखिए और जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उनको अपने दिमाग में बैठाइए। जब तक ये सब चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा, आगे के जो कोर्स है वो समझ में नहीं आएगा। आज एक बार हम मैट्रिक स्पेस को रिवाइज करेंगे, फिर से समझेंगे मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो ये जो पेयर है एक्स डी इज सेट टू बी मैट्रिक स्पेस इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये जो युग्म है एक्स डी को द्विरिक्त समष्टि कहते हैं यदि यह निम्नलिखित गुणधर्मों का पालन करता हो। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज को रखेगा वही कहलाएगा मैट्रिक स्पेस। तो एक बात याद रखना, इन 3 प्रॉपर्टी को रखने वाला जो फंक्शन होगा डी वो मैट्रिक कहलाएगा, और ये जो पेयर है यह पेयर कहलाएगा मैट्रिक स्पेस। एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने मान लिया डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, चूँकि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई पॉजिटिव होता है तो डी एक्स वाई पॉजिटिव है। डी एक्स वाई को अगर हम 0 करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई 0 आएगा, तो एक्स माइनस वाई 0 आएगा और एक्स इक्वल टू वाई आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि डी एक्स वाई पॉजिटिव है और डी एक्स वाई को 0 करेंगे तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, डी एक्स वाई को हमने माना है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, क्योंकि मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा डी वाई एक्स, तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स इक्वल हो। थर्ड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, डी एक्स वाई को हमने लिया है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई,
इसमें जेड को प्लस किए, जेड को माइनस किए, अब मॉड को अलग अलग करेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। इसको हम लिखेंगे डी एक्स जेड, इसको हम लिखेंगे डी जेड वाई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी एक्स वाई है लेस देन इक्वल टू है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रहा है। तो हम बोलेंगे डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स एंड हैंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस बनने के लिए मैट्रिक का होना जरूरी है, और मैट्रिक बनने के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। जब ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तब वह मैट्रिक कहलाएगा, हिंदी में दूरिक। और जब डी मैट्रिक बनेगा तभी ये जो पेयर है एक्स डी ये कहलाएगा मैट्रिक स्पेस दूरिक समष्टि। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो डी मैट्रिक नहीं है, और डी जब मैट्रिक नहीं है तो ये पेयर भी मैट्रिक स्पेस नहीं है। तो याद रखना मैट्रिक बनने के लिए ये तीन प्रॉपर्टी का होना जरूरी है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी उनके पास है तभी वो मैट्रिक बनेगा, और मैट्रिक बनने के बाद ही मैट्रिक स्पेस हमें मिलेगा। तो अब मैं मैट्रिक सब स्पेस आपको बताता हूँ। ये देखिए ये हमारा मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, और इसका एक सबसेट है वाई, वाई जो सबसेट ऑफ एक्स, और यहाँ भी एक मैट्रिक डिफाइंड है डी वाई। डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स एंड डी वाई इज अ मैट्रिक ऑन वाई। ये भी एक मैट्रिक स्पेस है, ये भी एक मैट्रिक स्पेस है, लेकिन चूंकि एक्स डी को मैट्रिक स्पेस बोला है और वाई डी वाई जो है एक्स डी के अंदर है तो वाई डी वाई को हम बोलेंगे मैट्रिक सब स्पेस। तो इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स। मान लो एक्स डी दूरिक समष्टि है तथा वाई एस का सबसेट है। इफ यदि डी वाई वाई क्रॉस वाई से आर में डिफाइंड बाई डी वाई एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वाई। डी वाई एक्स वाई कैसे डिफाइंड है, डी एक्स वाई है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वाई, एंड डी वाई इज अ मैट्रिक ऑन वाई। इफ डी वाई इज अ मैट्रिक ऑन वाई तथा डी वाई वाई पर एक दूरिक है, देन वाई डी वाई इज कॉल्ड मैट्रिक सब स्पेस ऑफ एक्स डी। तब वाई डी वाई को एक्स डी का दूरिक उप समष्टि कहते हैं। तो याद रखना मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक सब स्पेस ये भी एक मैट्रिक स्पेस ही है, लेकिन चूंकि यह एक्स से छोटा है इसी कारण हम इसको बोलेंगे मैट्रिक सब स्पेस। यहाँ पर डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, डी एक्स पर परिभाषित एक दूरिक है, और डी वाई जो है यह मैट्रिक है ऑन वाई, डी वाई वाई पर परिभाषित एक दूरिक है। तो मैट्रिक सब स्पेस का भी डेफिनेशन आप याद रखिए। ओपन सेट, ओपन सेट का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। सारे जो डेफिनेशंस मैंने बताए हैं, जो जो परिभाषाएं मैंने बताए हैं, वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन को समझने के लिए इन सब की जानकारी, इनका डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड जी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, जी एस का सबसेट है। इफ यदि एस आर एक्स कंटेन इन जी, एस आर एक्स मीन्स यह एक गोला है, स्फेयर है, इसका सेंटर एक्स है, रेडियस आर है, इसका केंद्र एक्स है और त्रिज्या आर है, यह एक स्फेयर है, गोला है, और यह स्फेयर अगर जी के अंदर आता है, मतलब एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ जी वेयर एक्स इज अ पॉइंट ऑफ जी। यहाँ जो एक्स जो ले रहे हो सेंटर, वो जी का ही पॉइंट है, और आर कोई पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक राशि है। तो अगर ये बात सेटिस्फाई हो रहा है देन जी इज कॉल्ड ओपन सेट इन एक्स। अगर ये बात लागू होता है तो जी को एक्स में विवृत्त समुच्चय कहते हैं। डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है बड़ा सा, ये हमारा मैट्रिक स्पेस है, और इसका एक सबसेट है जी, ये हमारा जी है, और जी को मैंने बोला यह एस का एक सबसेट है, उप समुच्चय है। अब जी का एक पॉइंट ले लिया एक्स, जी के अंदर एक पॉइंट लिया एक्स, एस को सेंटर मानकर और आर को रेडियस लेकर, आर हमारी चॉइस है, आर की वैल्यू हम जो चाहे ले सकते हैं, आर एक पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए। तो एस को सेंटर माना, आर को रेडियस माना, और मैंने एक ओपन स्फीयर, हिंदी में बोलें तो एक विवृत्त गोला मैंने ड्रा किया। ओपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं है। तो ये जो गोला है यह पूरी तरह से जी के अंदर समाहित होना चाहिए, मतलब एस आर एक्स इज अ सबसेट ऑफ जी, एस आर एक्स इज कंटेंड इन जी।
तो ये जो गोला है इसको हम बोलेंगे ओपन स्फीयर, हिंदी में विवृत्त गोलक, और इस जी को हम बोलेंगे ओपन सेट, और ये हमारा मैट्रिक स्पेस है। क्लोज्ड सेट क्या होगा, संवृत समुच्चय क्या होगा, इफ जी इज एन ओपन सेट, यदि जी ओपन सेट है तो जी का जो कॉम्प्लीमेंट है, जी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया, ये एरिया जी का है, देखो ये एरिया किसका है, जी का। तो जो बच गया बाहर वाला एरिया, जो बाहर वाला एरिया जो बोल रहा हूं, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, जिसमें जी को छोड़कर, जी को छोड़कर बाकी जो एरिया है वो एरिया कहलाएगा जी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी है ये कहलाएगा क्लोज्ड सेट, संवृत्त समुच्चय, कब, जब जी ओपन सेट है। जब जी ओपन सेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी क्लोज्ड सेट के नाम से जाना जाएगा।